नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने इनेलो बसपा गठबंधन की घोषणा के बाद दलितों के बहाने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। कहा कि अगर पंजाब हमें 107 क्षेत्रीय गांव और SYL का पानी दे दे तो हम चंडीगढ़ पर अपना अधिकार छोड़ देंगे, नहीं तो चंडीगढ़ पर ही हरियाणा का अधिकार रहेगा और राजधानी भी वही रहेगी। हमारे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले तो 10 साल तक कांग्रेस ने देश को भी प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, खास करके किसान की, कमेरे की, कमजोर की, दलित की उपेक्षा हुई उस 10 साल के राज। किसान को उसकी जमीन से उजाड़ दिया, हरिजन पे और दलित पे बड़े अत्याचार, रोज अखबारों की सुर्खियां होती थी कि आज इतना जगह पे दलितों पे अत्याचार किया गया, मार दिया गया, कोई लड़की उठा करके बलात्कार कर दिया गया, लोगों ने तंग आकर के 10 साल के उस प्रशासन से पीछा छुटाने के लिए भाजपा को सत्ता सौंपा और इस विश्वास के साथ कि भाजपा ने वायदे बहुत बड़े किए चुनाव से पहले। लोगों ने ये मान लिया कि अगर इन्होंने ये वायदे पूरे कर दिए तो जहां हमारे पे अत्याचार है उनसे छुटकारा मिलेगा, वहां हम सामाजिक तौर पे भी आर्थिक तौर पे भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन भाजपा ने जो वायदे किए उनको तो पूरा नहीं किया। इस 3.5 साल के अंदर 3 बार इस प्रदेश को एक साजिश के तहत हाथ के हवाले किया और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है पैसे की। आज ATM खाली पड़े हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं है। पिछले 12-13 दिन से इस बात को लेकर के बंद कर लो, बड़ा शोर है इस देश में कि जैसे कोई नोटबंदी के बाद एक हालात पैदा हुए, आज उस तरह के हालात पैदा हुए। सरकार इस पे अपनी गलती मानने की बजाय बैंक के सर पे ठीकरा फोड़ कह रहे हम नोटों की छपाई और ज्यादा करेंगे। और ज्यादा नोटों की छपाई अगर आप करोगे तो और ज्यादा जमा करनी पड़ जाएगी। नोट कोई गरीब आदमी ने थोड़े जमा कर रखे, ये पैसा तो सारा का सारा उन लोगों के पास है जिनसे निकलवाने के लिए आपने नोटबंदी करी, आज फिर उन्होंने उसको जमा कर दिया। ये जो इस किस्म के जब हालात बने थे, इन हालात के ऊपर हमने आपस में बैठ करके चर्चा करी और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इस देश से अगर कमजोर को, गरीब को, कमेरे को, किसान को फिर से उसको बहाल अगर करना है तो फिर 100% हमें एक कोई तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इस देश में 2-3 राजनीतिक नेताओं ने इस किस्म के बयान दिए कि हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर उस तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को साथ लेकर के चलने की बात कही। तीसरा मोर्चा तो ना कांग्रेस को साथ लेकर के बन सकता था ना भाजपा को साथ लेकर के बन सकता, कि जहां बसपा के साथ हमारा भी एक राजनीतिक सामाजिक जो रिश्ता बना है, लोग तो इसको गठबंधन कहते हैं लेकिन हम इसको रिश्ता मानते हैं, एक रिश्ता है। रिश्ते जो है गठबंधन तो टूट जाते हैं, रिश्तों में दरार तो आ सकती है लेकिन रिश्ते टूटते नहीं कभी। हमारा जो ये रिश्ता बना है, ये रिश्ता पूरे देश को एक नई दिशा देगा। एन मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही, उनको राजनीतिक बहुत अनुभव है और चौधरी देवीलाल की एक सोच थी कि महात्मा गांधी का जो सपना था उसको पूरा किया जाए। महात्मा गांधी ने इस देश को एक सपना दिखाया था, उन्होंने संजोया कि गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री, दलित का बेटा, दलित की बेटी इस देश की उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति तो दलित का बेटा है लेकिन आज इस देश को जरूरत है तो दलित की बेटी देश की प्रधानमंत्री बने, इस बात की है, ताकि जिस समाज को हर कोई कुचलने में और दबाने में लगा हो।